الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गो भाइयों अज़ीज़ो नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको इस पर अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। गुज़िश्ता जुम्मा से एक उन्वान के ऊपर गुफ्तगू जारी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के साथ और दीन हक़ के साथ मबऊस फरमाया। और मैंने ये जिक्र किया कि हिदायत से मुराद अल्लाह का कुरान है और कई आयात इस पर पेश की कि हुदल लिल मुत्तकीन हुदल लिन्नास कि कुरान हिदायत है। और दीन हक के साथ यानी दीन इस्लाम के साथ आपको मबऊस फरमाया और साथ ये पेशन गोई भी फरमाई कि ये जो दीन हक मैंने आपको दिया है इसके साथ आपको भेजा है, इसलिए नहीं भेजा कि ये किसी मुशरिक से दब जाए, किसी काफिर के दीन के आगे ये दीन मगलूब हो जाए, अबू जहल से मगलूब हो जाए, अबू लहब उतबा और शैबा से मगलूब हो जाए। नहीं, इसलिए देकर भेजा है लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, ताकि आपके दीन को सारे दीनों पर क्या कर दे, गालिब कर दे। और गलबा दो किस्म पर है, एक गलबा है इक्तिदार का, हुकूमत का। तो ये भी अल्लाह ने इस्लाम को दिया है कि इस्लाम कई मौक़ों पर इक़्तिदार में रहा है। और एक गलबे से मुराद है दलील का गलबा, सच्चाई का गलबा, हक़ानियत का गलबा। ये गलबा इस्लाम का हर दौर में रहा है और क़यामत तक रहेगा। दलील के साथ कोई इस पर गालिब, ये हो सकता है कि इक़्तिदार काफिरों का हो, इक़्तिदार बेदीनों का हो, मुशरिकों का हो, गैर मुस्लिमों का हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस्लाम दलील के एतबार से किसी दूसरे मज़हब के आगे मगलूब हो जाए और दूसरा मज़हब इस पर गालिब आए। ये नहीं हो सकता। फिर इसको दबाने की जो कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह गवाह, फैला कैसे और रोकने की कोशिश की कैसे की गई। पहली कोशिश तो ये की गई कि आपकी जबान बंद कर दी जाए और आप हक का कलमा कह ही ना सके, मारना, पीटना, पत्थर, रोकना, ये ना हुआ। तो दूसरा रास्ता क्या इख्तियार किया, जिरगा बन के आए। अब जरा वो जिरगा क्या है, कुरान सूरह यूनुस आयत नंबर 15 में जिक्र करता है। जरा मैं पढ़ता हूं, देखिए। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बैनातिन वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बैनातिन, जब पढ़ी जाती हैं इनके ऊपर हमारी वाज़ेह रोशन आयात, जिनमें अल्लाह की तौहीद, अज़मत, बड़ाई, किबरियाई, क़ुव्वत, ताकत बयान होती है, अल्लाह का यकता होना बयान होता है, शिर की तरदीद, माबूदा ने बातला की तरदीद, गैरुल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा जितने भी माबूद हैं उनकी कमजोरी बयान होती है। तो कुरान कहता है कालल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना, कालल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना, कहते हैं वो लोग जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, जिनको ये उम्मीद नहीं कि रब से मिलना है, मुलाकात करनी है। क्या कहते हैं, आइए वो जिरगा उन मुशरिकीन का कहता क्या है। पहला मुतालबा इत्तिब कुरान गैर हाजा, बड़े बड़े रोअस आए हैं, बड़े बड़े सरदार आए हैं और कहते हैं इत्तिब कुरान गैर हाजा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के सिवा कोई दूसरा कुरान ले आ। पहला मुतालबा, हम आपसे जोड़ पैदा करना चाहते हैं, हम आपसे रिश्ता बाकी रखना चाहते हैं, सिर्फ क्या करें, इत्तिबे कुरान गैर हाजा, ये कुरान हटा लीजिए, दूसरा कुरान ले आइए। कोई किताब हो, कोई भी किताब हो, बस कुरान ना हो, बाकी कोई भी किताब हो मान लेंगे, सुलो कर लेंगे, आपकी बात पे आ जाएंगे। मगर जब तक कुरान है तो हम और आप जुड़ सकते नहीं है, हम आपकी बात नहीं मान सकते। आप कहें कितना प्यारा मुतालबा नजर आता है उनकी नजरों में बज़ाहिर, कि ये तो कोई जरूरी नहीं है, कोई और किताब ही सही बयान कीजिए, हम मानने को तैयार हैं। फरमाया मैं तो आया ही कुरान बयान करने हूँ, तो कुरान छोड़ के कोई दूसरा कुरान, दूसरी किताब कैसे ले आऊं कुरान की जगह। आज भी बड़ी कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह लोगों से अल्लाह का कुरान छीन लिया जाए, लोगों के सामने अल्लाह का कुरान ना बयान किया जाए, झूठी कहानियां, खुराफात, हिकायात, किस्से बयान किए जाएं, गज़लें सुनाई जाएं, कसीदे सुनाए जाएं, ना सुनाया जाए तो कुरान ना सुनाया जाए। फरमाया ये नहीं हो सकता, मैं तो आया ही कुरान बयान करने हूं। अच्छा चलो हम ही कुछ नरम पड़ जाते हैं। दूसरा मुतालबा क्या, आओ बदल हो, ये कुरान मान लेंगे, आप नहीं छोड़ते इसे तो यही मान लेंगे, सिर्फ हमारी बात इतनी तो मान लीजिए। आओ बदल हो, इस कुरान को तब्दील कर दीजिए, यही मान लेंगे, कोई मसला नहीं। चलो आखिर आप मुसर हैं, इसरार है आपका कि मैं कुरान नहीं छोड़ सकता हूं, तो लाजमी तो नहीं है 6666 आयत से कम बेश आयतें। ये सारी सुनाना जरूरी है? बदल हो, तरमीम कर दीजिए। आपसे पूछता हूं मस्जिद-ए-नमरा में आने वालों, यहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है सुनने वालों, आपसे पूछता हूं आओ बदल हूं, मुशरिकीन ने जो आके कहा कि कुरान बदल दे, तरमीम कर दे, तो आपसे पूछता हूं वो तरमीम किन आयतों में चाह रहे थे? क्या वो ये कह रहे थे कि कुरान की ये वाली आयत ना पढ़ो, कुलू वशरबू? जी वो ये कह रहे थे कि इस आयत को निकाल दो कुरान से? नहीं नहीं, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं। अच्छा क्या वो ये चाह रहे थे आओ बदल हो कि कुरान की इस आयत को निकाल दो, फन की हुमा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, शादियां करो दो दो, तीन तीन, चार चार। बोलो इसमें झगड़ा था? नहीं नहीं। क्या वो ये चाह रहे थे कि कुरान की ये आयतें बदल दो कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह बारिशें बरसाता है, अल्लाह ने ज़मीन पैदा की है, अल्लाह रात लाता है, दिन लाता है? नहीं नहीं, ये तो वो खुद कहते थे कि अल्लाह ही करता है, कैसे ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है? ज़रा पढ़ने लगाऊं। सूरत का नाम है सूरतुल मोमिनून, 18वां पारा है। कुरान क्या कहता है? मेरा पाक पैगंबर अगर आप इन मुशरिकों से पूछें कि आसमानों ज़मीन को किसने पैदा किया है, तो ये कहेंगे कि अल्लाह ने। ये सूरत का नाम सूरतुल मोमिनून, 18वां पारा और आयत नंबर 84 है। फरमाया कुल मनिल अर्ज़ु व मन फीहा, कुल मनिल अर्ज़ु वमन फ़ीहा, मेरा पाक पैगम्बर इन मक्के के मुशरिकों से पूछ कि किसकी ये ज़मीन और जो कुछ ज़मीन में ये किसका है, अगर तुम जानते हो तो जवाब दो। सयक़ूलून लिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सयक़ूलून लिल्लाह, तो अन करीब ये कहेंगे कि अल्लाह ही का है, ज़मीन अल्लाह की, जो कुछ ज़मीन में है वो सारे का सारा अल्लाह का है। कुल मर रब्बुस समावाति सबई व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरा प्यारा पैगंबर पूछ इनसे, सातों आसमानों का रब कौन है? व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अर्शे अज़ीम का रब कौन है? मेरा पैगंबर इन मक्के के बुत परस्तों से पूछ। तो कुरान कहता है सयक़ूलून लिल्लाह, वो कहेंगे कि आसमानों जमीन बल्कि सातों आसमान अर्श अजीम का रब कौन है? जो मानते हैं बोलो कौन है? वो यही कहेंगे कि अल्लाह है। बल्कि अगली आयत पढ़ने लगा हूं, जरा कुरान क्या कहता है। कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून। मेरा पाक पैगंबर इन मक्के के मुशरिकों से पूछ, मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन, किसके हाथ में मलकूतु कुल्लि शैइन, हर चीज का इख्तियार किसके हाथ में? व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि, और वो पनाह देता है, उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दिया जा सकता। तो जब पूछ इनसे कि हर चीज का इख्तियार किसके हाथ में है, पनाहें कौन देता है, अगर जानते हो तो जवाब दीजिए सयक़ूलून लिल्लाह। तो वो कहेंगे कि पनाहें देने वाला अल्लाह, हर चीज का इख्तियार रखने वाला अल्लाह। तो जब मक्के का मुशरिक ये सारी बातें मानता है तो वो इन आयतों को निकालने या बदलने का मुतालबा नहीं कर रहा। फिर मैं पूछता हूँ कि वो कौन सी आयत है जो मक्के के मुशरिक को चुभती थी, जिसके बारे में वो कहते हैं बदल हो, कुरान बदल दे, ये आयतें निकाल दीजिए। आइए आज सुन लीजिए मेरे दोस्तों, वो आयतें ये हैं कि कुरान कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, कि अल्लाह ही इलाह है, ला इलाहा कोई हाजत रवा इला नहीं, इल्लाहु मगर कौन है? वो ये नहीं मानते कि इलाह अकेला अल्लाह है, वो कहते थे और भी इलाह है, बल्कि उनको झगड़ा इस आयत में था। अजअलल आलिहता इलाहं वाहिदा, काश काश के कोई होता और कुरान में गौर करता और नतीजा पा जाता। क्या कहते हैं? अजअलल आलिहता, क्या इस पैगंबर ने तमाम आलिहा को एक ही इला बना दिया? सबको रद्द करके, सबकी नफी करके ये कहता है इलाहु वाहिदा, कि एक ही इला है। इन्ना हाज़ा लशैउन अजाब, ये बड़ी अजीब बात है, ये हमारी समझ में नहीं आती। झगड़ा किस में था? वो कहते थे कि इलाह अकेला अल्लाह नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ और भी इला है, मदद करने वाले हैं, बेड़े पार लगाने वाले हैं, खोटी किस्मतें खरी करने वाले हैं, माल औलाद घर जिंदगी में बरकतें देने वाले हैं। ये बाकी भी हैं, बल्कि वो कहते थे कि कुरान कहता है कि ला यमलिकूना लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, जिनको तुम इला मानते हो वो तुम्हारी मदद तो खुदा वो अपने आप के नफे नुकसान के मालिक नहीं। इस बात से उनको चिढ़ होती थी, बल्कि वो कहते थे ये मेरे सामने सूरत का नाम सूरत यूनुस है। अल्लाह का कुरान कहता है, मक्के का मुशरिक कहता है मा नअबुदुहुम, बल्कि कहता है हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह, ये जिनको हम पूजते हैं ये अल्लाह के हां हमारे सफारशी हैं। अल्लाह को खालिक मालिक मानते थे, लेकिन जिनको वो पूजते थे उनके बारे में क्या कहते थे? ये अल्लाह के हां हमारे सफारशी हैं। क्या मतलब है कि अल्लाह साड़ी सुनदा नहीं ते इन्ना दी मोड़दा नहीं, साड़ी इन्ना दे अगे ते इन्ना दी उन्ना दे अगे, यही ये हमारे सफारशी हैं। और कुरान तीसरे मकाम पे कहता है, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम है सूरत ज़ुमर, 24वां पारा है, दूसरी आयत है। कुरान क्या कहता है? अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। हाय हाय हाय, क्या लफ्ज है! अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। खबरदार कायनात वालों सुन लो, कोई शफात सफारशी जबरी कहरी, कोई अल्लाह की बारगाह में शराकतदार हिस्सेदार नहीं, बल्कि आला लिल्लाहि दीनुल खालिस, दीने खालिस, खालिस इबादत और इताअत किसके लिए है? खालिस। अच्छा, जब ये अल्लाह के लिए खालिस है तो ये जो मुशरिक का क्या नजरिया है, वो क्या कहता है? सूरत ज़ुमर आयत 3 कुरान कहता है वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा और कारसाज बना रखे हैं, उनका नजरिया सुन लीजिए। वो कहते हैं मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि जुल्फा, हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें रब के करीब कर दें। मैं जेब से नहीं कह रहा हूं, वो क्या कहते हैं? हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें किसके करीब कर दें। यानी मक्के का मुशरिक भी रब का कुर्ब चाहता है, रब के करीब होना चाहता है, लेकिन तरीका गलत इख्तियार कर गया कि हम इनकी पूजा इसलिए करते हैं कि ये हमें रब के करीब कर दें। इमाम इब्ने जरीर इस आयत का माना करते हैं अपनी तफसीर इब्ने जरीर के अंदर। वो कहते हैं लियुकर्रिबूना इलल्लाहि जुल्फा मंजिलतन व दरजतन वलियशफाऊ लना फी हाजातिना, ये दर्जे मर्तबे के एतबार से हमें रब के करीब कर दें और हमारी हाजतों में हमारी सिफारिश कर दे रब के हाँ। अच्छा, जब उनका ये नजरिया है तो कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है बलिल्लाह फाबुद, अल्लाह ही की बंदगी, उदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, फाबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह के लिए इबादत को खालिस करते हुए मेरे मालिक, जरा खालिस का मतलब भी तो समझ में आ जाना चाहिए। क्या मिलावट वाली चीज भी खालिस होती है? अल्लाह फरमाते हैं इबादत कैसे खालिस हो? फरमाया इन्ना लकुम फिल अनआमि लाइब्रा, इन्ना लकुम फिल अनआमि लाइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। इबादत कैसे करनी है ओ मेरा बंदा? क्या तेरे घर के अंदर डेरे पर, तेरी चरागाह में दाएं बाएं देख, गाय देख, बकरी देख, ऊंटनी देख, इन चीजों को देख। तू चारा डालता है उसका रंग अलग है, तूने जो पानी दिया उसका रंग जुदा है, घास काट के लाया उसका रंग जुदा है। तेरे हैवान ने इन सारी चीजों को खाया, रात को हैवान भी बैठा है या लेटा है, तू भी अपने घर में सोया हुआ है। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए, अल्लाह ने मशीनरी लगाई हुई है। अंदर सारी रात क्या चल रहा है? गोबर एक तरफ, पेशाब दूसरी तरफ, खून गंदा है वो तीसरी तरफ। ये सारी गंदगियां बचा बचा के अलग अलग करके इनको सुबह जब तू उठता है मेरा बंदा, आता है गाय के थनों के पास बैठता है, तुम बैनी फरसिन व दमिन लबनन खालिसा। जिस तरह मैं इन गंदगियों से बचा के तेरे बर्तन में दूध खालिस डालता हूं, तू भी मेरी इबादत भी ऐसे ही खालिस कर। इबादत पेश कर तो तू भी मिलावट से पाक पैदा, पाक कर। अल्लाह अकबर। एक बात आपको कहूं, अगर आप कहें जी गोबर पड़ जाए चलो मिलावट है, खून आ जाए मिलावट है, पेशाब पड़ जाए दूध में मिलावट है, कोई नहीं पिएगा। लेकिन एक बात बताऊं, अगर पानी पड़ जाए तो खालिस रहेगा? जी नहीं यार, आप जवाब नहीं दे रहे। पानी तो पाक है, बड़ी नेमत है। वो पानी भी छोड़ो यार मेरा दोस्त, आपने जहाज बुक किया और आप मक्का के जमजम का पानी लाए, वो बीच में मिला दिया, फिर भी खालिस रहेगा? हाँ, पानी बड़ा कीमती है, जमजम वाला है, उससे बेहतर पानी कोई नहीं। लेकिन अगर ये भी डाल दिया दूध में, दूध खालिस नहीं रहेगा। सुन लीजिए, इबादत मेरी खालिस कर। अगर कायनात की सबसे आला मखलूक को भी मेरे साथ इबादत में शरीक करेगा तो इबादत खालिस नहीं रहेगी, चाहे शरीक जिसको तूने किया वो सबसे अफजली क्यों ना हो। इबादत खालिस नहीं रहेगी अगर किसी को शरीक किया। तो मुशरिकीन ये नहीं बर्दाश्त करते थे, वो कहते थे इतने बेकुरानिन गैर हादा औ बदल हो, इसको बदल ले। तो जवाब क्या दिया? आप जवाब भी सुन लीजिए ताकि आपके भी 14 तबक तो रोशन हो। इतना बड़ा जिरगा आया है, जिरगा वापस करना आसान काम नहीं है। कुरान बदल दीजिए, आप हमारे हम तुम्हारे हैं, कहते हैं ना दोनों जानिब से इशारे हो गए, आप हमारे और हम तुम्हारे हो गए। हाँ, बीच से ये हटा दो कुरान, बस झगड़ा ही खत्म, हम सब एक हो जाएंगे। तो इशारा सुन लीजिए, फरमाया कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलका नफ्सी। मेरा पाक पैगंबर ऐलान कर दीजिए, मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी। कुरान बदलना मेरे शाया निशान नहीं, मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं कुरान बदल दूं अपनी तरफ से। मैं कुरान बदलना तो दरकिनार, मैं कुरान बदलने नहीं आया। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मेरी तरफ जो कुरान की वही आती है मैं तो उसका ताबेदार हूं। मैं ताबेदार हूं, बदलता कैसे हूं? बल्कि अगर कुरान को देखा जाए कुरान मेरे साथ मरबूत हो गया। अल्लाह फरमाते हैं इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपके अखलाक बड़े आला हैं। तो आपसे पूछता हूँ हरिपुर वालों, पैगंबर के अखलाक क्या हैं? आपने बार बार हदीस सुनी है कि उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं काना खुलुकुहु अल कुरान, ये सारा कुरान मेरे नबी का अखलाक है। कोई कह सकता है कुरान नबी का अखलाक कैसे बन गया? हदीस यहां तक कि लोग बयान करते हैं, मतलब नहीं बतलाते कि कुरान नबी का अखलाक कैसे बन गया। आइए सुन लीजिए, कुरान नबी का अखलाक ऐसे बन गया कि कुरान ने पैगंबर को जो कुछ करने का कहा पैगंबर ने करके दिखाया, जिन चीजों से बचने का कहा पैगंबर ने बच के दिखाया। ये अखलाक कुरान। कुरान नबी का अखलाक बन गया। आप कहते हो बदल दे, बदलना तो दरकिनार, कुरान नबी का अखलाक। कुरान नसीहत है तो मेरा पैगंबर नासिह है, कुरान वाज है तो मेरा पैगंबर वाइज है, कुरान है। कुरान हिदायत है तो मेरा पैगंबर हादी कुरान है। मेरा कुरान अगर इजमाल है तो मेरा नबी उसकी तफसील है। कुरान अगर नूर है तो मेरा पैगंबर सिराज मुनीर है। कुरान रहमतुल लिल मुमिनीन है तो मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन है। कुरान रूह है तो मेरा पैगंबर उसके लिए कालिब और बदन है। कुरान जिक्र है तो मेरा नबी मुज़क्किर है। कुरान बयान है तो मेरा पैगंबर मुबय्यिन है। कुरान अगर तकरीर है तो मेरा पैगंबर मुकर्रिर है। और हरिपुर वालों मैं एक जुमला कहने लगा हूं कि यूं समझ लीजिए कि दो कुरान है, एक कुरान साकित खामोश कुरान है, एक नातिक बोलने वाला कुरान है। साकित कुरान मेरे हाथों में है और बोलने वाला कुरान मेरा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान आपके साथ पेवस्त हो गया। ये कैसे कहते हैं कि आप कुरान को बदल दें, कुरान को छोड़ दें। बल्कि अगर यूं कहूं कि कुरान ने जिंदगी गुजारने का एक नक्शा पेश किया है, किया कि नहीं किया? कुरान ने जिंदगी गुजारने का एक नक्शा पेश किया है, लेकिन उस नक्शे में रंग मेरे मोहम्मद ने भरा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इसको कैसे समझेंगे कि नक्शा पेश किया, रंग इन्होंने भरा है? जरा इसकी भी सुन लीजिए ताकि दिमाग तो रोशन हो। कुरान कहता है नमाज पढ़ो, लेकिन ये नहीं कहता कितनी रकअतें पढ़ो, ये मेरे पैगंबर ने बताया। कुरान कहता है ज़कात अदा करो, कितनी अदा करो, कब अदा करो, किस पे ज़कात लाजिम है, ये मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाया। कुरान कहता है हज करो, लेकिन कैसे करो ये मेरे पैगंबर ने बतलाया। कुरान कहता है तवाफ करो, ये कुरान ने नहीं बताया तवाफ शुरू कहाँ से करना है, मुकम्मल कहाँ पे करना है, कितने चक्कर लगाने हैं, ये मेरे पैगंबर ने बतलाया। कुरान कहता है कुर्बानी करो, किन जानवरों की करो, किन किन पे कुर्बानी है, कितने हिस्से कितने जानवर में हो सकते हैं, ये मेरे पैगंबर ने बतलाया है। मेरे दोस्तों वो कहते हैं आप बदल दें, फरमाया मैं बदलता नहीं हूं। कुरान सुनाने आया हूं, बदलने नहीं आया। कुरान में तरमीम करने नहीं आया, बल्कि कुरान की तबलीग करने आया हूं। आप जरा सुनिए, आपकी तबलीग चलती गई, हालात ने साथ नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ने मुखालिफ हालात को ऐसे बदल के मुवाफिक कर दिया। आज तो कहते हैं ना लोग खुद को बदलते नहीं, कुरान बदल देते हैं। ठीक है ना, लोगों की हालत खुद बदलते नहीं, कुरान बदल देते हैं। लेकिन मेरे पाक पैगंबर से पूरा मक्का कहता है कि आप कुरान बदल दें। मेरे पैगंबर ने फरमाया कुरान तो कभी नहीं बदलेगा, अलबत्ता कुरान से पूरा जहान बदल दूंगा। कुरान तो नहीं बदलेगा लेकिन कुरान से ये जहान बदल जाऊंगा। कैसे बदला जरा देखिए आप। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं। मक्का छोड़ दिया रात के अंधेरे में, यार गार सिद्दीक अकबर के साथ हैं। मदीना पहुंचते हैं। मदीना में उस वक़्त यहूद आबाद थे, नसारा अहले किताब। यहूद और नसारा ये दो बहुत बड़े मजहबी कबीले थे, यहूदी और नसारा ये आबाद थे। नबी अलैहिस्सलाम पहुंचे, अंसारे मदीना ने इस्तकबाल किया। खबर पूरे मदीना में फैल गई कि मक्का से इमामुल अंबिया तशरीफ ला चुके हैं। तो यहूद के बहुत बड़े आलिम हैं अब्दुल्ला बिन सलाम, क्या नाम है ये, यहूद के बहुत बड़े आलिम हैं तौरात के। कहते हैं मैं खजूरों के बाग में काम कर रहा था, इतने में किसी ने आके खबर दी कि मक्के से कोई पैगंबर आए हैं। सारे अंसार उनके इर्द गिर्द जमाए, बड़ा हुजूम है। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैंने कहा यही तो मौका है जाके देखने का कि आया तौरात में जिन आखिरी पैगंबर की निशानियां बतलाई हैं ये वही पैगंबर हैं कि नहीं है। मैं आ गया, महफिल लगी हुई है, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं। मैं आया सामने। पहली बात हरिपुर वालों सुनिए, पहली बात अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैंने तौरात का वो सारा नक्शा जहन में बिठाया हुआ है, मैंने आखिरी पैगंबर की वो सारी निशानियां जहन में बिठाई हैं। मेरी सोच एक तरफ है लेकिन जैसे आया और मैंने आपके चेहरा अनवर पे नजर डाली तो अल्लाह की कसम है सारा कुछ भूल गया। दिल ने कहा हाजल वजहू लैस बिवजहि कज़्ज़ाबिन, अल्लाह की कसम है ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, ये चेहरा ही सच्चा है। हाजल वजहू लैस बिवजहि कज़्ज़ाबिन, ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये चेहरा ही बतला रहा है कि ये सच्चे हैं। आगे सुनना चाहेंगे जरा देखिए, ईमान ताजा कीजिए। फरमाते हैं करीब आया तो जो आपकी तालीमात मेरे जहन में आई, सबसे पहली बात जो मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से सुनी, अजीब इत्तेफाक है, अजीब इत्तेफाक है। कहते हैं मैंने आपकी तकरीर का जो पहला जुमला, पहला फरमान पैगंबर सुना वो ये था, आपसे पहली बात जो मैंने सुनी वो ये थी कि आप इरशाद फरमा रहे थे या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, अफशु सलामा, सलाम को आम करो, व अतइमु तामा, और गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाओ, वसिलुल अरहामा, रिश्ते नाते जोड़ के रखो, वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात को उठ के नमाज पढ़ो जब सारे लोग सोए हुए हों, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे सलामती के साथ। मुस्नद अहमद, मुस्तदरक हाकिम, दोनों हदीस की किताबों की हदीस है। कितनी प्यारी तालीमात है। फरमाया ऐ लोगो अफशु सलाम, क्या आम करो सलाम को। हमारे यहाँ सलाम का रिवाज ही कोई नहीं, जानता हो तो हम उसको सलाम कर देते हैं, ना जानता हो तो रास्ते में गुजरते हैं सलाम भी और कई तो जानते हुए भी सलाम इसलिए नहीं करते कि वो इस इंतज़ार में होते हैं कि पहले अगला कोई सलाम करे तो मैं करूँ। इस इंतज़ार में होते हैं कि मैं तो बड़ी चीज़ हूँ ना, पहले वो सलाम करेगा तो मैं जवाब दूंगा। हालांकि मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, आप सलाम में पहल करते थे। यहाँ तक कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती सीरत देख लीजिए, आप रास्ते पे गुजरते बच्चे भी नजर आते तो आप बच्चों पर भी सलाम में पहल कर देते। क्या तालीम है। और आपकी तालीमात में एक और जुमला फरमाया, अल-बादिउ बिस्सलाम बरिअ मिनल किबर, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। और एक दूसरी हदीस में आया है, फरमाया सलाम करो अला मन अरफ़्ता अरफ़्ता वला मन लम तारिफ़, जिसको जानता है उसको भी सलाम कर, जिसे नहीं जानता उसको भी सलाम कर। अफ़शुस सलाम, लेकिन अफसोस सलाम की जगह हमारे यहाँ क्या चीज़ है। सुबह सुबह सारे मोबाइल चेक करो, सबाहल खैर, सुबह बखैर, कोई सबाहल नूर कहता है, कोई सबाहल वर्द कहता है। जी ये जुमले आपने देखे होते ना। मेरा मोबाइल में सुबह उठ के देखता हूँ, सारा सबाहल खैर सबाहल खैर। ओ मेरा दोस्त, ये क्या है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम से भी बेहतर कोई जुमला हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम के माने पे अगर गौर करो तो इससे बेहतर कोई जुमला नहीं। इसका मतलब क्या है, मेरी तरफ से तू सलामती में, तू मुझसे सलामती में, और तू मैं तुझसे सलामती में, रब की तरफ से तुझ पे सलामतियाँ हो, तकलीफ़ों से सलामत रहे, बीमारियों से सलामत रहे, जहन्नम जाने से सलामत रहे। जितने अल्फाज दाखिल कर सकते हो कर लो, लफ्ज़ का माना ही इतनी बड़ी सलामती है कि हर गम दुख दर्द से सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, कितना प्यारा जुमला। सलाम को आम करो। दूसरा अतइमुत्ताम, खाना खिलाओ। क्या खिलाओ, बड़ा औख है जी। कोई सैकड़ों किलोमीटर सफर करके आए, हम पूछते चाय पीसो, हाँ तो कोई बड़ा ही बेधड़क होगा जो कहेगा हाँ पीसा, वरना उमूमन क्या देते भाई नहीं पीता हूँ। कुर्बान जाऊं अल्लाह के खलील से, फरिश्ते मेहमान बन के आए, पूछा भी नहीं ठंडा पीसो गर्म होवे हैं, नहीं नहीं गए, बछड़ा ज़बा किया, तला और बुना हुआ गोश्त ला के सामने रख दिया। मेहमान नवाजी की भी क्या बात है। और हम जान छुड़ाने का बड़ा आसान तरीका है, रोटी के टाइम कहो जी चाय पीसा जी। अब रोटी के टाइम में चाय का पूछो और चाय के टाइम में कहो बैठो जी रोटी खा सकते। कम से कम 3-4 घंटे तो अभी रोटी को रहते हैं। हाँ हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है यहाँ कि कश्ती के किनारे एक बस्ती थी, ठीक है ना, तो वहाँ के लोगों की आदत थी मेहमान बैठ बैठ के उनको इंतजार करवाते। जब कश्ती जाने का टाइम होता तो मेहमान से कहते बेड़ी भी तैयार है तो रोटी भी तैयार है। हाँ कश्ती भी तैयार है और रोटी भी, यानी अगर आप रोटी खाएंगे कश्ती आपसे चली जाएगी। हाँ ये तो ऐसा ही, आप अड्डे में कहें गाड़ी भी जाने के लिए तैयार है रोटी भी तैयार है, कौन खाएगा आपकी ऐसी रोटी। ये वो सारे तरीके हैं जहाँ जिससे मेहमान को क्या किया जाता है, टाला जाता है। ये वो टालने के बड़े अच्छे अच्छे तरीके हैं लोगों के। फरमाया अतइमुत्ताम, खाना खिलाओ। और कुर्बान जाओ इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला याकुल तआमक इल्ला तकीयुन, तेरा खाना ना खाए मगर परहेजगार आदमी। उलमा इस हदीस को सामने रखते कहते हैं जिस शख्स के दस्तरखान पे देखो पाकीज़ा लोग खा रहे हैं, समझो कि इसका रिज़्क़ पाक है और समझो कि अल्लाह को इसका रिज़्क़ पसंद है, इसीलिए पाक लोगों को खिला रहा है ताकि कल पाक आमाल सर अंजाम दे। और कई लोगों का रिज़्क़ पाकीज़ा लोगों को तो शायद ज़िंदगी भर नसीब ना हो, लेकिन उनके दस्तरखान पे जाके देख लो तो लफंगे और लुच्चे किस्म के लोग हर वक्त दस्तरखान पे बैठे होंगे, खा रहे होंगे। नहीं आएगा तो कोई अल्लाह वाला उनके दस्तरखान पे नहीं। अतइमु ताम, खाना खिलाओ। और दूसरा वसीलुल अरहाम, रिश्ते जोड़ो। क्या जोड़ो? रिश्ते जोड़ना बहुत मुश्किल है, नए रिश्ते बनाना बड़ा आसान है। लोग कहते हैं मैंने साल में 1 लाख आदमियों से ताल्लुक बना लिए, मैंने 1 साल में 1000 आदमियों से दोस्ती कायम कर दी। मैं कहता हूं ये कोई कमाल नहीं है कि साल में 10,000 आदमियों के रिश्ता बना लेना कोई कमाल नहीं है। कमाल यह कि जिंदगी भर जिनसे रिश्ता है उनसे रिश्ता निभा के रख ले, ये कमाल है। रिश्ता है उसको क्या रखे, ये बहुत मुश्किल है, अल्लाह गवाह है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं जो रिश्ता जोड़ेगा मैं उसको अपने साथ जोड़ूंगा, यानी उसका ताल्लुक मुझसे जुड़ेगा। बरादरियों में, रिश्तेदारियों में यह सबसे मुश्किल मरहला है। आप कहेंगे कि हम भी इसी माशरे के लोग हैं और हमारे पठानों का तो जो सारा दिन आपस में खिटमिट उनकी लगी ना रहे ना, तो उनको पठान कौन कहेगा? तो हम भी इसी मुआशरे के लोग हैं बरादरियों में। लेकिन इसकी तरगीब दी है सिलुल अरहाम, रिश्ते जोड़ो। अच्छा, फरमाया अगली बात वसल्लू बिल्लैली वन्नास नियाम, रातों को उठ के नमाज पढ़ो जब लोग सोए हों। मखलूक खुदा अंधेरी रात में नींद के आगोश में जाके गायब और गुम हो जाए, और तू नींद को आंखों से झटक के उठ के रब के सामने खड़ा हो जाए। वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, नतीजा क्या निकलेगा? तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे सलामती के साथ। ये तालीम पैगंबर दे रहे थे। अब्दुल्ला बिन सलाम ने ये तालीम सुनी, कहते हैं जब मैंने आपकी ये तकरीर सुनी तो मैं और करीब आया। अब अगले अल्फाज बुखारी के, वो क्या, मैंने करीब आके कहा अल्लाह के पाक पैगंबर 3 बातों का सवाल करता हूँ। कितनी चीजों का सवाल करता हूँ? 3 चीजों का सवाल करता हूँ। उन 3 का जवाब नबी के सिवा कोई नहीं देख सकता, नबी के सिवा उन 3 सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूछ। मैंने कहा पहला सवाल यह है मा अव्वलु अशरातिस्सा, क़यामत की निशानियों में से पहली निशानी क्या है? फरमाया दूसरा सवाल यह है मा अव्वलु मा याकुलु अहलुल जन्ना, जन्नती सबसे पहली खुराक क्या खाएंगे? जन्नती सबसे पहली खुराक क्या खाएंगे? उनकी तवाज़ो, मेहमान नवाजी किस चीज से की जाएगी? और तीसरा सवाल वो क्या चीज है व मिन ऐना युश्बिहुल वलदु अबाहु व उम्महु, बेटा माँ के हम शक्ल कैसे हो जाता है और बाप के हम शक्ल कैसे हो जाता है? ये कैसे हो जाता है कि बेटा या माँ के हम शक्ल होता है बच्चा या बाप की शक्ल पे चला जाता है? नबी अलैहिस्सलाम ने ये 3 सवाल सुने तो जवाबन फरमाया आतानी व अखबरनी जिब्रील आनिफन, ओ अब्दुल्ला बिन सलाम तेरे सवाल के बाद फौरन जिब्रील ने आकर अभी मुझे जवाब दिए हैं। जिब्रील ने अभी आके जवाब दिए। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने यह सुना तो एकदम कहा, अच्छा जाका अदूल यहूद, ये तो यहूदियों का दुश्मन है जिब्रील। कहा वो कैसे? कहा यहूदियों पे सारे अजाब और सजाएं लाने वाला यही है। और इसी का जवाब सूरह बकरा में अल्लाह ने यह दिया था, कुल मन का नादुवल जिब्रीला, हाँ जो कोई जिब्रील का दुश्मन हो और मिकाईल का, फरिश्तों का, तो अल्लाह ऐसे काफिरों का क्या है? दुश्मन है। तो जिब्रील तो अल्लाह का मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। और यहूद ने यही मुतालबा किया था कि अगर आप पर जिब्रील वही ना ले के आता ना, मीकाईल ले के आता, इसराफील वही ले के आता तो हम मान लेते। ये भी उनका एक सवाल था। लेकिन फिलहाल अब्दुल्ला बिन सलाम का सवाल, पहले सवाल का जवाब दिया। फरमाया पहला सवाल कि क़यामत की पहली निशानी क्या है? फरमाया फनारुन, वो आग है, यहशुरुन्नास मिनल मशरिक इलल मगरिब, जो मशरिक से लोगों को मगरिब की तरफ हाँक के ले जाएगी। मशरिक से एक आग उठेगी, लोगों को ऐसे हाँकते हुए ले जाएगी। कहाँ तक पहुँच जाएंगे लोग? मगरिब में जमा हो जाएंगे। दूसरे सवाल का जवाब कि जन्नतियों की पहली खुराक, पहली मेहमान नवाजी किससे होगी? फरमाया फज़ियादतु कब्दिल हूत, के मछली के कलेजे के ऊपर भरा हुआ हिस्सा, वो जन्नतियों की पहली खुराक। उर्दू वाले जब तर्जुमा करते हैं तो वो यूं कहते हैं कि मछली के कलेजे का कबाब अल्लाह खिलाएगा। अल्लाह अकबर, ये तवाज़ो होगी। आप कहेंगे मछली नहीं मिलती गरीबों को, तो फिर मछली और फिर उसका कलेजा और उसका कबाब। भाई जन्नत की बातें ही कुछ हो रहे हैं। और तीसरा सवाल कि बच्चा माँ बाप में से कभी माँ की सूरत और कभी बाप की सूरत कैसे इख्तियार कर लेता है? फरमाया सुन, जब माँ बाप यानी मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो अगर मर्द का पानी गालिब आ जाए, गलबा पा जाए, तो बच्चा मर्द के हम शक्ल। अगर औरत का पानी पैल कर जाए, गलबा पा जाए, तो बच्चा माँ का हम शक्ल होता है। जब तीनों सवालात के जवाब दिए तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे हाथ आगे कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया, वो कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। काश वक्त होता, मेरा मजमून तो तवील है, लेकिन आखिरी जुमला क्या देता हूँ। जैसे ही अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलमा पढ़ा तो साथ ही फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल यहूद कौमुन बुहतुन, अल्लाह के महबूब ये यहूद जो है ना बहुत झूठे लोग हैं, बहुत कज़ाब हैं, झूठे भी हैं और झूठ बोलते भी हैं अगले पर और झुठलाते भी हैं। इसलिए मैं अभी इजहार नहीं करता हूँ, पहले आप मेरी इस कौम को बुलाएं और मेरे बारे में पूछें कि मैं कैसा आदमी, उसके बाद मैं इकरार करूँगा। फरमाया ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने यहूद को बुलाया, कहा कलमा पढ़ लो। वो कहने लगे नहीं पढ़ते। कहा अगर तुम्हारा साथी, तुम्हारा आलिम, रहनुमा अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा आदमी है, बस ये जुमला सुनने का है। तो पता क्या कहने लगे, हुआ सय्यदुना व इब्नु सय्यदिना, वो हमारा सरदार लीडर है और उसका बाप भी हमारा सरदार लीडर था। बड़ी तारीफ की, वो भी हमारी आंखों का तारा, उसका बाप भी हमारी आंखों का तारा। अच्छा अगर वो मुझे मान ले तो फिर यहूद कहने लगे हम फिर मान लेंगे, वो कैसे मानेगा। फरमाया अब्दुल्ला बिन सलाम जरा सामने आइए। अब्दुल्ला बिन सलाम मजलिस में सामने आते हैं। फरमाया बोल अब्दुल्ला बिन सलाम। अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे, ओ यहूदियों, तौरात में आखिरी नबी की जितनी निशानियां हैं वो सारी इनमें मौजूद है। मैं तस्दीक करता हूं यही आखिरी रसूल है। जब तस्दीक की, मेरे ख्याल से घंटे नहीं मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, 2-4 मिनट की बात है। पहले कहा सैयदना व इब्नु सैयदना, लेकिन हक बात की तो कहने लगे हुआ शर्रुन व इब्नु शर्रिन। ये भी शरीर है, इसका बाप भी शरीर है। हुआ शर्रुन व इब्नु शर्रिन। अब देखा ना, बाप तक सारी लड़ी को बदनाम कर दिया। ये भी शरीर, इसका बाप भी। मेरा दोस्त, हक कहना ये भी मुश्किल है, लेकिन हक सुनना और मानना भी क्या है, मुश्किल है। लोग कहते हैं ना हक कहना बड़ा मुश्किल है, मैं ये मानता हूँ हक कहना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन हक के सामने बैठ के उसको सुन लेना और ठंडे सीने से, ये भी क्या है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे कि हम कहने वाले बन जाएं और मानने वाले और सुनने वाले बन जाएं।